स्क्रीन को खोल दिया जाए बिकॉज हियर वी हैव द लेजेंड हिमसेल्फ द वन एंड ओनली रंजीत द मैन वी ऑल लव. रंजीत जी वेलकम. थैंक यू अनमोल. इवेंचुअली रंजीत को पहला रोल कैसे मिला? पहली बार मेरी मुलाकात दत्त साहब से हुई. सुनील दत्त साहब, क्या बात है. दत्त साहब के साथ में बैठ के उनकी गाड़ी में हम लोग उनके घर गए खाना खाने के लिए. खास एक पार्टी रखी गई थी जो मिसेस दत्त ने, भाभी जी ने, एक शी यूज्ड टू मेक मटका गोश्त कोई डिश, वो मिट्टी के बर्तन में बनाती थी. आटा वाटा लगा के पार्टी सिर्फ वही थी. अब 11:30 बजे रात के कुक आया साहब, खाना लग गया. तो दस आवर टिपिकल उनका बाउंसिंग ऑलवेज. और यार खाते हैं यार, अभी कुल्फियां जमा रहे हैं यार, तो खाना गर्म करो यार, तो बाद में आई रोने आया जी खाने. ओह लव दिस मैन. चले गए. उसके बाद फिर एक घंटे के बाद आया तो फिर अरे यार खाना खाते हैं यार, तुम गर्म करो यार, कुछ ये करो, इतनी जल्दी क्या है. डालता है एक लेडी की आवाज आई. अच्छा. रात को 2:30 के करीब. दत्त साहब तो सारे खड़े हो गए, हम भी खड़े हो गए. तो एक्चुअली मिसेस दत्त थी. नरगिस जी. हाँ जी नरगिस जी. वाह कितना शराब पिए, कितनी दारू पिए आप लोग. चलो उठो खाना गर्म है. 3-4 बार गर्म कर दिया, अभी खराब हो जाए. चलो बिशुदा, चलो फलाना था, चलो रोनी कैसे हो तुम, ये सबको ले गई हो. फिर आई वाज वेरी फॉर्चुनेट, ये दत्त साहब, ये मैं, ये रोनी, ये उनके दोस्त थे. ठीक है जी. और 7-8 की टेबल थी कोई, और बीच में, और ये सामने मिसेस दत्त खड़ी है, और बीच में वो एक मटका, ओए होए होए, और प्लेटें व्लेटे लग गई है साला, इसमें कड़छी गई, इतनी बड़ी बड़ी बोटियां बोटियां निकल के प्लेटों में डालने लगे दत्त साहब, डाल डाल के. तो मेरी प्लेट बाजू में थी, तो मेरी प्लेट लेके वो, मैं जी मैं तो खाता नहीं. क्या बात कर रहे हैं. आई एम स्ट्रिक्टली वेजिटेरियन. तो मिसेस दत्त ने बोला यार जब क्यों आप जबरदस्ती कर रहे हैं, और नहीं खाता तो नहीं खाता. उन्होंने अंदर आवाज लगाई, उनका एक कुक होता था गंगाराम. अभी आई स्टिल रिमेंबर 50 इयर्स अगो, यू नो आई एम टॉकिंग अबाउट. गंगाराम जी मैम साहब, और दोपहर का क्या बचा हुआ दाल. अच्छा दाल को तड़का लगाओ दोबारा और पराठा बनाओ. शाबाश. तो अभी मैं बड़ा इंप्रेस हुआ यार, ये फिल्मी हीरोइन इतनी बड़ी और रात को 3 बजे सर्व कर रही है यार. तो सो गई होती, नौकर है कितने हैं, कोई भी सर्व करता ना. हाँ सही बात है. दसा पी रहे तो पीने दो. बट शी वॉज अटेंडिंग एवरीबडी पर्सनली. तो मेरा तो एकदम मैनो ब्रेन वॉश हो गया टोटली अबाउट फिल्म इंडस्ट्री. ग्लैमर वर्ल्ड जिसको बोलते हैं आप. तो साहब वो पराठा आया. ठीक है. अब पराठा हमारी प्लेट में. अभी होता है ना कई बार यार, ये पराठा खाऊं या जेब में डाल लूं. नरगिस ने दिया है. सब मीनवाइल मेरी दत्त साहब के साथ दोस्ती इसलिए ज्यादा हो गई कि वो सन एंड सैंड में मैं रहता था जब ही. तो दत्त साहब को मैंने पहली बार बीच में देखा घोड़े के ऊपर, यू नो ही यूज्ड टू कम मॉर्निंग में राइडिंग वाइडिंग करते थे. तो उन्होंने मुझसे जब मिला तो उन्होंने बोला कि तुम रेडी करोगे. तो मैं जी मुझे आती नहीं है. तो उन्होंने उसको बोला साइज को कल से एक और घोड़ा लेके आना. शाबाश. तो फिर वो एक्चुअली दत्त साहब की वजह से मैं राइडिंग सीखा है. आई यूज टू वर्क विद एवरी डे विद एवरीबडी. मैं 8-8 शिफ्टें करता था, एक दिन में 8-8 रोल करता था, यू नो. माय गॉड. सुबह राजेश खन्ना के साथ में, फिर संजीव कुमार के साथ में, फिर धर्मेंद्र, ऐसे होता था मेरा लाइफ में. और मेरा घर जो था सेंटर में था, तो विल यू बिलीव मी, मेरे घर में हर शाम, हफ्ते में 7 दिन में होते हैं, 6 दिन तो पक्का 5-6 हीरो, 5-6 हीरोइंस, एक आध वैम भी बिंदु बिंदु टाइम आ जाती थी. तो रौनक लगी रहती थी. क्या बात है.